दोस्तों, हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेदर आज भी पूरा मौसम पैक है। चुप तो पहले पूरा जितना एरिया था, जो नीचे साइड में जो विलेज थे, सारे स्नो से कवर हो रखे हैं। लगभग बहुत टाइम बाद स्नोफॉल इतना हो पाया है। वैसे कुछ टाइम पहले, 2-3 साल पहले हुआ था, तो इससे ज़्यादा स्नोफॉल यहाँ पे हुआ था। तो इस टाइम थोड़ा कम भी हुआ, पर इतना भी हो गया तो खैर बहुत है। और ये सारे जितना भी है, और ये है आपका फिल्मी विलेज। सो हेलो एंड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चोपता वैली। मैं सुजान की चोपता की नसीन वादियों सबने यूट्यूब चैनल एस जी मालियन में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और कल जो स्नोफॉल हुआ था, काफ़ी ज़्यादा हुआ था। सुबह से शाम तक स्नोफॉल लगातार चल ही रहा था। और आज वैसे मौसम पूरा पैक है, पर आई होप शायद आज भी स्नोफॉल हो सकता है, चांसेस है, क्योंकि मौसम ऐसे ही पैक है। और धीरे धीरे जो फॉग है वो भी लगने वाला है, पूरा मौसम फिर से पैक होने वाला है। अभी तक तो खैर सुबह से अभी तक मौसम ऐसे ही पैक चल रहा है। और जितने जो नीचे के विलेज थे, लगभग बंगाली हो गया, दहरा हो गया, और ये जो एरिया था ये स्नो से थोड़ा बहुत कवर्ड तो हो गया था, बट इतना नहीं हुआ था कि जितना यहाँ पे हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा हाइट पे है, वो कुछ ज़्यादा ही नीचे है नदी के किनारे। और आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत इतना पता होगा कि नदी जो एरिया होता है, उस एरिया पे थोड़ा स्नोफॉल कम होता है। और आज वैसे हम लोगों को जाना है वेडिंग में, और वेडिंग शूट करने के लिए जाना है, तो वैसे ही इतना ठंडा है और वेडिंग शूट भी करना है, तो देखते हैं कैसे करके क्या होता है, और बाकी आप लोगों को भी बताते रहेंगे हम लोग। और आज का ब्लॉग आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, और फिर अगेन मॉर्निंग में आपको वेडिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा बहुत दिखाते हैं सामने का लोकेशन, क्या व्यू है आज का। चलिए फिलहाल नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं भी चलता हूँ दुकान की ओर। और अभी दुकान पे थोड़ा बहुत काम है, जैसे आपके कार्ड वगैरह कॉपी करना हो गया, फिर कैमरा सेटअप तैयार करना हो गया, तो इन चीज़ों को करने के बाद मैं भी फिर घर निकल जाऊँगा, क्योंकि आज वैसे ही मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। और जो मेरे शूज़ है वो कल के भी ऐसे ही भीग रखे हैं, तो कल भी दिन भर जो स्नोफॉल था उसकी वजह से शूज वगैरह पूरे भीग गए थे। और अभी लैपटॉप वगैरह और कार्ड वगैरह तो घर पे, तो कैमरा वगैरह चार्ज लगाने के बाद मैं भी घर निकल जाऊंगा। तो चलो फिर मिलता है नीचे रोड पे। और मैं भी रोड पे पहुंच चुका हूँ, अपने दन्नो है इधर, तो फिलहाल इसको यहीं पे रहने देते हैं और मैं चलता हूँ दुकान की ओर। और सबसे बड़ी बात, लगभग आपका पोथी भाषा से
पूरा रूट जो चोपता का रूट है वो पूरा बंद हो रखा है। और अभी कुछ टाइम बाद जो NH है रोड को क्लीन कर देंगे और फिर जाके रूट खुल जाएगा। उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे आपका जो पाला वगैरह है उसकी वजह से गाड़ियाँ स्किड कर लेती हैं, और यहाँ पे जो लोकल व्हीकल है वो चलता है, क्योंकि उन लोगों का अपना जो बुलेरो वगैरह है उस पर चेन वगैरह लगाई रहती है, तो उस वजह से जो बाहर से गेस्ट आते हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आ सकते हो। कल इस जगह पे ढेर सारा स्नोफॉल हो रहा था, पर आज पूरा पिघल चुका है क्योंकि रात को शायद बारिश हुई, बारिश की वजह से पूरा स्नोफॉल जो स्नो था वो पिघल गया था। और जो कैमरा सेटअप है, लगभग कैमरा सेटअप रेडी तो हो गया है और बैटरी वगैरह चार्ज पे लगा रखी है, और फिलहाल अभी भी सुबह से वेदर ऐसे ही पैक है। धूप तो खैर मुश्किल ही है कि आज निकल पाएगी, पर चांसेस ये भी है कि स्नोफॉल भी हो सकता है। तो फिलहाल मैं भी निकलता हूँ घर के लिए, और अभी मैंने कार्ड वगैरह कॉपी करना है, उसके बाद खाना वगैरह खाऊंगा, तो थोड़ा बहुत काम घर पे भी है, तो वो भी निपटाने के बाद मैं भी निकलता हूँ शादी के लिए। मिलते हैं आपको रास्ते में। हाँ भाई, क्या करना है, क्या करना है, केवे थे ना, केवे कृष्णा थे ना, कुमारी कसी मिष्टी, क्या करना, ठंड 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 नहीं लग रहा है, हम पैरासुना पैरासुना। और कुछ टाइम बाद छोटा सा माइंड में चल रहा है कि अपने धनों को थोड़ा सा कुछ अलग बनाया जाए, जैसे जो इसके साइड के जो ये पैनल हैं इनको रेड करवाने का सोच रहा हूँ, और जो टैंक है टैंक को रेड करवाऊँगा हाफ पे, आधा ब्लैक रहेगा आधा रेड रहेगा, और जो उसका पूरा फ्रेम है ये पूरा रेड हो जाएगा, ये सारे जितने भी ये है पैनल है ये सारे रेड हो जाएंगे। तो आप एक कमेंट करके बताइए आपको जो आइडिया है हिमालयन के बारे में, तो कैसे लग रहा है कि अच्छा दिखेगा नहीं दिखेगा, तो आप कमेंट करके बताइए। और लगभग मैं भी घर पे पहुंच चुका हूं, और टाइगर आपके सामने है, टाइगर और छोटे बच्चों ने ये स्नो को इकट्ठा करके रखा हुआ है ताकि वो लोग बाद में खेल सके स्नो से। और ये ट्रॉफी आपको पता होगी, ये ट्रॉफी है मैकंडा से, लगभग जो फर्स्ट फाइनल था हमारा मैकंडा में उस टाइम की है ये ट्रॉफी, और लगभग इतने सारे जो मेडल्स हैं ये सारे मेडल लगभग इससे कहीं ज़्यादा मेडल छोटे बच्चों ने इधर उधर फेंक दिए हैं, तो ये सारे मेडल जो क्रिकेट है क्रिकेट में मिले थे। तो और ये हैं सारी ट्रॉफी, लगभग जितने टाइम से मैं खेलता आ रहा हूँ ये सारी ट्रॉफी आपकी उस टाइम की हैं, और इससे कई ज़्यादा ट्रॉफी जो हमारे साथ और लोग भी रहते हैं, कभी कोई किसी ट्रॉफी को ले लेता है, जैसे इस बार जो थान दरसों से थी वो कैलाश ले गया, उससे पहले सतीश भाई ले गए, और उसके बाद राहुल ले गया, वैसे ही छोटी छोटी जो ट्रॉफियाँ हैं
ये विकेट कीपिंग सारे ज़्यादातर वही है, विकेट कीपिंग, क्षेत्र रक्षक, और ये है मक्कू का मैन ऑफ द मैच फाइनल मैच का, और ये सारे लगभग वही ट्रॉफियाँ हैं। और ये मिला था हमें जो ग्रामीण रैली होती है हुकी मठ में वॉलीबॉल की, तो वॉलीबॉल में दिया गया था ये वाला जो सिल्ड था, और छोटी छोटी ढेर सारी ट्रॉफियाँ हैं। और वॉलीबॉल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं वॉलीबॉल वैसे नेशनल प्लेयर रह चुका हूं वॉलीबॉल का, तो वॉलीबॉल मेरा काफ़ी फेवरेट गेम था, आज भी है, पर अब वॉलीबॉल इतना खेलते नहीं है तो फिर धीरे धीरे वॉलीबॉल कम हो ही गया। और फिलहाल धूप ही निकल चुकी है, लगभग टाइम आपका 12:30 हो चुका है, और अभी छोटे बच्चे भी मज़े ले रहे हैं, जो मैंने बताया था आपको कि ये स्नो इन्होंने इसीलिए बचा रखा था कि छोटे बच्चे भी इंजॉय कर सके। और कल से जस्ट अभी थोड़ा सा धूप लग चुकी है तो थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा है बाहर पर बैठने में, नहीं तो अंदर अंदर बैठ के और ज़्यादा ठंडा हो रहा था। और लगभग ये जितना एरिया है ये स्नो से कवर्ड था, और जो रात को बारिश हुई तो उसकी वजह से स्नो पिघल चुकी है। और फाइनली टाइम हो चुका है 4:30, और हम लोग तैयार हो गए वेडिंग शूट पे जाने के लिए। फिलहाल अभी मेरे साथ सतीश, और सतीश भी यूट्यूब में एंटर हो चुका है, बहुत अच्छी याद दिलाई अब मैं अपनी वीडियो देखता हूँ। यस, और सतीश भी यूट्यूब पे एंटर हो चुका है, सतीश का जो चैनल का नाम है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी लगभग टाइम 4:30 हो चुका है, और हम लोगों को जाना है आज ग्वाड़ में, तो चलिए फिर चलते हैं। और थोड़ी देर पहले, थोड़ा लगभग आधे घंटे पहले धूप लगी हुई थी, और अभी भी मौसम ऐसे ही पैक हो रखा है, तो रात को हो सकता है स्नोफॉल हो जाए, पर वेडिंग पे दिक्कतें हो बहुत सारी हो जाती हैं बारिश की वजह से, कहाँ पे खड़ा हो जाना है फिर वही दिक्कत है, अगर अकेली जगह पे मकान होगा तो फिर और भी बड़ी दिक्कत, क्योंकि बैठने के लिए या कहीं किसी जगह पे जगह तो चाहिए खड़ा होने के लिए बैठने के लिए। और सबसे मेन बात, हम लोगों का जो इक्विपमेंट होता है उसको हमें केयरफुल रखना भी होता है, उसके लिए जगह भी ज़रूरी है। चलिए फिलहाल सतीश से भी थोड़ा बहुत बातें करते हैं कि सतीश यूट्यूब में एंटर तो हो चुका है, क्योंकि मुझे भी पहले तक पता नहीं था कि सतीश यूट्यूब वीडियोज़ बना रहा है, पर कल मैंने सतीश का स्टेटस देखा व्हाट्सएप पे तो तब जाके मुझे पता लगा, चलो अच्छी बात है। कल खाली बैठे थे, वेले पड़े थे घर में, सोचा क्यों ना वीडियो ही बना लें, सही है, पास जाएगा, सही है सही है। बाकी को हम 10-11 बजे तक फोन पे रहते लगे, इससे अच्छा कुछ एडिटिंग या फिर यूट्यूब पे ही कुछ ना कुछ डालते रहेंगे तो बेस्ट रहेगा उसके लिए। बिल्कुल, थोड़ा सोचा कि चलो यार कोई नहीं, अच्छा है कर देते। और सतीश का जो चैनल का नाम है वो है द माउंटेन बॉय 013, तो आप अभी स्टार्ट किया है, और जो फर्स्ट ब्लॉग है वो सतीश का है स्नोफॉल, जो लाइव स्नोफॉल है उससे रिलेटिव है, और आजकल पहाड़ों में ज़्यादातर वही चल रहा है, जितने भी पहाड़ी जो ब्लॉगर होंगे सभी का उसमें स्नोफॉल यही चल रहा है, पर हर एक जगह की अलग अलग लोकेशन होगी, तो आप देखिए मज़े लीजिए। और बाकी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाकी सतीश को भी ढेर सारा प्यार दीजिए। और अभी तो मैं ये नहीं बोल सकता कि आप अभी फर्स्ट ब्लॉग कल अपलोड हुआ है, तो धीरे धीरे आप बने रहिए चैनल के साथ, और सतीश भी आपको कुछ यूनिक चीज़ें दिखाने की कोशिश करेगा पहाड़ों के, पहाड़ों में जो चलता है। और वैसे ही सतीश आपको ट्रैकिंग का बहुत क्रेजी है, तो ट्रैकिंग करता रहता है, तो आपको इस चैनल पर ट्रैकिंग एडवेंचर ढेर सारी चीज़ें दिखती रहेंगी। बाकी इस
ये देखिए, ये इसको लग रहा है कि कुछ खाने के लिए दे रहे हैं। और बाकी इस चैनल पे अगर कोई नया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्यारे से कमेंट करना, ताकि मैं आपको पहाड़ से रिलेटिव ऐसे और उनकी वीडियोस लाता रहूँ। मिलता हूँ एक नए दिन नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।